That's another successful operation under my belt. Okay, Anya, tell me where Joseph is and I'll bring him out. Is there any news on the backup? Surely you don't need anyone else's help. Your backup has just touched down in the capital. They're currently en route to you as we speak. They should be with you in about 3 hours. Just in time to clear up. We've opened up the air corridor for Yosef's extraction. The task now is to find Yosef Priboy and bring him out for debriefing. Your objectives are threefold. Infiltrate the installation without overly raising suspicion. Locate and free Yosef Priboy. Our agents have been on surveillance for the last 20 hours. They took this footage. I believe Yosef to be held in this building. He should be held in the basement. Once you have Yosef in custody, escort him back to the FRV for chopper dust-off. Hey guys, welcome to my channel. So, today we are going to play ITI. And we have given a mission कि जेसन प्रीबॉय को हम लोग को रेस्क्यू करना है और हमारा ये टास्क है. उसने कहा है कि यहाँ पे जेसन प्रीबॉय जो है वो कैप्चर किया गया हुआ है, तो तुम्हें उसे रेस्क्यू कराना है. तो हम चलते हैं मिशन पे. ये काफ़ी थोड़ा लंबा मिशन होने वाला है बाकी मिशन से. और हमें यहाँ मिली हुई है एक नाइफ ग्लॉक 17 MP5 SDC जिसमें 120 MO है और वो रहा हमारा एनिमी. तैयार है, उसने देख लिया. लेट जा हमेशा के लिए. कुछ नहीं गाइस, इस बंकर में जाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गन मिलता है. और हम आ गए यहाँ पे सबसे बड़े माउंटेन पे. जैसे GTA 5 में माउंट खेलिया है वैसे ये यहाँ का सबसे ऊंचा व्यू है. तो हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है. ये मिशन नंबर 1, यहाँ हमें जाना है. थोड़ा जूम कीजिए ना. ये है, आप देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में वही आने ने दिया है, रेस्क्यू करना है, लोकेट करना है और ये सब इनकम्प्लीट है. चलते हैं गाइस. ये तो हमारा शायद एक्सट्रैक्शन पॉइंट है. आइए, काफ़ी पुराने गेम है गाइस और इसको वही फील कर सकते हैं जो 2000 के या 90s के बच्चे हैं. बाकी आजकल तो काफ़ी नए नए गेम्स आ गए हैं, पबजी हो गया और भी काफ़ी गेम्स हैं. GT5 तो पुराना गेम है. GTYCT और JCS ये सभी पुराने गेम हैं. तो बच्चे आजकल वॉलरेंट, पबजी, BGMI और ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं. पर हम खेलेंगे वही अपने पुराने गेम. दोनों लेट गए, हमेशा के लिए लेट जाओ. उसने देख लिया गाइस और हमने दोनों को ऊपर पहुंचा दिया. मर भी रहा है कि मैं ऐसे ही गोली चला रहा हूं. एक यहाँ खड़ा गाइस. गोली मेरी खत्म. और हमने उसे मार दिया ग्लॉक 17 से. एक स्नाइपर मैन ऊपर है, काफ़ी वो खतरनाक है. गेम थोड़ा लैग कर रहा है, काफ़ी पुराना ग्राफिक्स है. तो आजकल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन सब में काफ़ी ये चलता है गेम. क्या सकते हैं, काफ़ी पुराना गेम है. स्नाइपर राइफल मैन मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर उसने देख लिया मुझे तो स्नाइपिंग करने लगेगा. तो हम यहाँ गेट खोल देते हैं.
मर गया ये, हमने एमो लोड किया और यहाँ पे हमने लैडर को लिया। हेलो जो हाय नागिन जैसे चाल। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, वो एक बंदा बाहर होता है वाटर टॉर्गेट गाइस, ये जब बंदा ऐसे घूम कर ऐसे वापस आएगा और वापस जाएगा तब हम उसे मारेंगे, क्योंकि उसको मारने से काफ़ी लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। ये ऊपर जो वाटरमैन वाटर टैंक पे टावर पे है वो भी काफ़ी ख़तरनाक बंदा है, उसका स्नाइपर है, उसकी एक गोली की एमो हमारी काफ़ी हेड को डाउन कर देगी। आप देखिए पूरे कंपाउंड में यहाँ फैले हुए हैं सिपॉय। जहाँ पे गाइस हम हैं वो उसको बोलते हैं एम्यूनेशन स्टोरेज। तो बंदा आ रहा है धीरे धीरे, और जूम कर लिया जाए। मेरा पीसी अपडेट हो रहा है तो इसे शायद लैग कर रहा है गेम, तो आप परेशान ना होइएगा, धीरे से जाएंगे और किल करेंगे। एक और बंदा होगा वो शायद बिल्डिंग पे, उसको देख उसके देखने से पहले मुझे उसे मार देना होगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। मारा गया गाइस, एक बंदा यहाँ है, इसे भी हम किल कर देते हैं। और अब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू स्नाइपिंग। वैसे आपको तो आता ही होगा। ये जो ड्रैगनोव होता है ये स्नाइपिंग काफ़ी ख़तरनाक होता है, लेकिन रियलिटी में जो गन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन की होती है। इसमें इस गन ने मतलब दिखाया है कि आप खड़े होकर ही मार देते हैं। देखिएगा बस जूम की और मार दिए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे ऐसे काफ़ी पोजीशन बेटर नहीं हो पाता है। कई बंदे हैं, काफ़ी लोग किल करना है मुझे, और वो लेट गया, वो मिस हो गया शायद स्लॉट पर। हम सबको मारेंगे, अलार्म बज गया गाइस। ओरेंज कार्स जो होते हैं वो अब निकलेंगे, वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, वो देखिए आ रहे हैं। हमने एमओ भी वेस्ट कर दिया है, एक पा रहा है, लेकिन वो बंदा दूर है। शॉर्ट गन जैसा एक बंदूक होती है, उसको ये लोग यूज़ करते हैं, अब उस रेंज से मुझे कैसे वो मारेगा गाइस। वो मतलब काफ़ी खतरनाक होती है, उसमें से एक बार 12 या 13 एमओ निकलती है।
मेरे सिर पे खाइएगा। ये भी हो जा शिकार नहीं हुआ, काफी लोगों को मैंने मार दिया है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ से हमने तैरक लिया 75 दिन चैलेंज वाला, थोड़ा हमारा एक्सरसाइज हो गया। आँखों में छाले पड़ जाते हैं, ये तो गेम है। वैसे आप सीढ़ी पर ट्राई मत कीजिएगा। ये एक ऊपर होगा उससे मैं मार, ये भी स्नाइपर राइफल मैंने गाई, खत्म है गोली। ये गोली की आवाज खटैक से जो आती है मुझे काफी पसंद है, यहीं से आएगा वो। गोलियां कौन चलाया है ये देख रहे हैं, गोलियों के निशान। ये मिल गया हमें अमृत, इसको नसों में डाला जाता है। ये एक स्टेरॉइड होता है जिससे हमारी हेल्थ वापस से रिकवर हो जाती है। एक बार में 12 MO निकलती है, उन लोगों को याद ज़रूर होगा जो इसको खेले होंगे। लेकिन जिन्होंने पहली बार देखा है और उसे पसंद है गेम, वो इसकी पावर देख लीजिए। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ अलार्म मैंने बजा दिया, 2-3 बंदे होंगे यहाँ पे। ये देखिए एस्टोराइड, और हमने एस्टोराइड से फुल हेल्थ दिया, काफ़ी गलत हो गया। वो पीछे आ गया मेरे और मैंने जब तक उसको मारा था, लोडिंग में इसमें टाइम लेता है काफ़ी, ये सब गन जो होती है काफ़ी लोडिंग लेती हैं। ये शायद जेल होगा, यहाँ 3-4 लोग रखे होंगे। इस सेल में कोई नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, झूठ मूठ का हमें मिशन पे भेज दिया गया है। ये फिर से हमें मिल गया,
गेम पीसी थोड़ा, मैं सोचा था कि अपडेट हो जाओ तो खेलूँ, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ जाता। रेड कैप वाले एसी में रहते हैं और वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। देखिए यहाँ कुछ लिखा होगा, रेड अलर्ट। वो एक बंदा शायद है रेड कैप। कर दिया है, कर लिया है। और लॉट ऑफ चॉपर, हमारा चॉपर हमारे रेडी कर रहा, चॉपर ने एक एक एयर फिल टाइप से, मतलब एयरमैन जो चलाते हैं आर्मी में, उसकी टाइप की से हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। और उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ डेटा चुराना है। आने ने बोला है कि वहाँ गए ही हो तो अब कुछ नहीं मिला, तो वहाँ से डेटा चुरा लाना, तो ही भर लेते हैं अपने शरीर में थोड़ा सा। 53 खाली, और अभी और भी मिल सकता है। यहाँ कोई बंदा खड़ा है, हम सबको स्नाइपिंग करेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। पहले सब कैमरा से बात करेंगे, ये सबसे खतरनाक होता है, पीपी पीपी बोलने लगता है। निकल रहे हैं, उन्हें लगा होगा कि कोई ना कोई हमारे बच्चों को किल कर रहा है। क्या मेरी बंदूक लड़ेगी? नहीं, वो नहीं लड़ेगी। जो बोला नहीं, पहले जो होता था गेम उसमें अच्छे ग्राफिक्स के नहीं होते थे, ये गेम में लड़ ही नहीं रहा है बुलेट्स, वहाँ पे वो लोहे के वेयर हैं। हमने सभी को किल कर दिया है। वहाँ देखिए ऊपर क्लिच हो रहा है, यानी यहाँ एक बंदा है, पर इसको हम मार नहीं सकते हैं क्योंकि वो दीवार पीछे है।
और यहाँ पे हमने किट 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 कर लिया है, कोई ना कोई यहाँ होगा। मर गया ज़्यादा देर ना हो करते हुए हम अपने मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आने ने बोल दिया है और यहाँ पे हमारे पास 70 मेडिपैक चाकू तो रहेगा, ब्लॉक 16 की सारी एमओ है, इसका यूज कोई होता नहीं है खासकर। तो यहाँ गया था हमसे UG-65, इस एमओ को कोई मतलब नहीं गाइस, क्योंकि नेक्स्ट मिशन में हमें ये सब नहीं मिलता है, ये एक तरह से वेस्ट है अगर आपका जो एमओ बच गया। तो हम इसे वेस्ट कर देते हैं कि एक गोली इतनी गिनती होती, कुछ कुछ मिशन में इतनी बहुत भीड़ होती है। और देखिए हम यहाँ पे इसको वेस्ट कर रहे हैं, सब वेस्ट करेंगे हम। बराज से वेस्ट करना है तो आप भी आ सकते हैं। Here are your new flight coordinates. Keep that plane low.